हिंदी सत्र में आज जगदीश चंद्र सिसोदिया भैया की शेयरिंग है। तो भैया आपका स्वागत है। भैया मैं आपका परिचय रखना चाहता हूँ। जगदीश भैया आप शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और झाबुआ मध्य प्रदेश से है। भैया सीएचवी कंटेंट के साथ में लगभग 20 साल से जुड़े हुए हैं और भैया का ये चौथा मॉर्निंग सेशन है। तो भैया आपका स्वागत है, ओवर टू यू। भैया धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बाबा को नमन करते हुए और श्रद्धे वागड़िया सर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए पूरी यूएसबी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे शेयरिंग का अवसर भी दिया और मुझे समझ सही समझ का अवसर प्रदान किया। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि स्पष्ट है, यूएचवी के पहले जो मैंने शिविर लिए थे, उन शिविरों में जो मैंने समझा था, यूएचवी से मैं उन सारे चीजों को क्रमबद्ध तरीके से देख पाता हूँ। ये एक मेरे लिए काफी अच्छी बात रही है। और जो पहले शब्दों में या भाव के रूप में मेरे अंदर आता था कि सहजता जो होती है वो सजगता और सतर्कता से होती है, जो अभ्यास एक को जब मैंने अपने आप में देखने का प्रयास किया तो सहजता तभी आती है जब सतर्कता और सजगता होती है। और जो मेरी कल्पनाशीलता है उस कल्पनाशीलता में जो भाव विचार बनते हैं उसको भी मैं देख पाया। उसमें लगा कि जो कल्पनाशीलता मेरी चल रही है वो कई बार मान्यताओं के आधार पर और कई बार जो मैंने समझा है उसके आधार, जब इन दोनों में अंतर कर पाता हूँ तो जो मान्यता वाली मेरी कल्पनाशीलताएं होती है उसमें निश्चिंतता या निश्चितता नहीं होती। कई बार गड़बड़ हो जाती है कि ये ऐसा हो गया तो फिर उसको बदलने जैसी स्थिति बन जाती है। तो जो हर क्षण या हर पल सहज रहने की जो बात है तो उसमें तो जो सहज स्वीकार्यता होती है, जो सहज स्वीकार भाव होते हैं, उसी में हम हर पल सहज रह पाते हैं या यूं कहें कि निरंतर सुख की ओर का आधार भी वही है। और जो भाव विचार मेरे अंदर चलते हैं वो आराम तो वही देते हैं जो समझ के आधार पर चले हैं। उसी में संगीत होता है और वही सुख देता है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। जब भी मेरे अंदर किसी के प्रति विरोध या जो भाव विचार सही समझ के आधार पर नहीं चलते हैं तो कई बार ये महसूस करता हूँ कि ये भाव क्यों आ गया, इस तरह से क्यों है। तो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ तो वातावरण का प्रभाव भी कई बार मैं अपने आप में देखता हूँ, लेकिन जैसे ही ये चीज मुझे वापस समझ में आती है तो मैं फिर अपनी पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाता हूँ या पहुंचने का पूरा प्रयास रहता है मेरा। जो भाव विचार चल रहे होते हैं मूल रूप से तो निर्णय मेरा ही होता है और मेरे अपने निर्णय की वजह से ही मैं सुखी या दुखी होता हूँ, ये मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता ही है। कोई मुझसे सुखी होता है दुखी होता है ये भी मेरा निर्णय ही मुझे इंगित करता है। एक बात स्पष्ट बहुत जल्दी से हो गई मुझे कि सही समझ में आए ना आए, लेकिन जो गड़बड़ हमारी हो रही है, जो मुझ में कमियां हैं या जो मुझसे गलतियां हो रही है वो तत्काल दिखने लग जाती है। और वो दिख जाना ही ये यूएचवी और इस विचारों से जुड़ने के कारण हो पाया। पहले ऐसा नहीं हो पाता था और यूएचवी में जुड़ने के पहले बाद में काफी जल्दी जल्दी ये चीज समझ में आने, और ये मैं तय कर पाता हूँ कि कौन से भाव विचार सहज हैं और किन भाव विचारों से मैं सहज रह पाऊँ। जो व्यवस्था और अव्यवस्था की बातें पहले हम लोग बहुत करते थे, तो अभी भी कई बार अव्यवस्थाओं पर बहुत सारी चर्चाएं होने लगी, लेकिन ये मैंने महसूस किया कि अव्यवस्था की चर्चा करने से अव्यवस्था ही फैलती है या अव्यवस्था ही कहीं ना कहीं हम फैलाते रहते हैं। तो व्यवस्था की बात की जाए, समाधान की, जैसे सर ने कई बार कहा है कि समस्याओं पर बात करने से समस्या का हल नहीं होता,
समस्या का हल तो समाधान से ही होगा। और बाबा ने एक बार कहा ही था कि यदि समस्या है तो समाधान तो है ही। ये बात कहीं ना कहीं बहुत गहरे से समझ में आई कि कोई समस्या है तो उसका समाधान मिले मिल ही जाएगा। और हर क्षण जो मैं जीता हूँ उसमें संबंध पूर्वक जीने की व्यवस्था जो है, या संबंध पूर्वक जीना, उसको अगर मैं देख पाता हूँ तो न्याय जिस की बात हम लोग करते हैं, ये बड़ी सी बात है न्याय को समझना भी। पर वहाँ एक बात स्पष्ट होती है कि सहअस्तित्व जो है वो वहाँ दिखता है, और जो संघर्ष वाली स्थिति है वो खत्म हो जाती है। जहां तक सवाल है कि हर बार सुना भी जाता है और कई लोग बोलते भी है कि किसी ने कोई गड़बड़ करी है, तो हम उसकी अयोग्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कई बार, और उसकी अयोग्यता हमें बहुत तकलीफ देती है, और मन में ये आता है कि ये आदमी योग्य क्यों नहीं बन। वो भी कहीं ना कहीं मुझ में अपने आप में दिखता है कि मैं भी तो कौन सा योग्य हूँ उसकी अयोग्यता से प्रभावित हो रहा है, या उसकी अयोग्यता का ही रोना रो। तो ज्यादातर वो चीजें सारी यूएचवी के माध्यम से स्पष्ट भी हुई, और वो जो अभ्यास, इसमें एक खास चीज है, अध्ययन और अभ्यास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रतिपल अगर सहज रहना है तो बहुत ज्यादा गहन अध्ययन की जरूरत है, और जो पुस्तकें हैं या जो शिविर हो रहे हैं या ऑनलाइन वर्कशॉप हैं या यूट्यूब पर जो हमारे पास मटेरियल्स है, उसके लगातार सुनने समझने की जरूरत है। और ये सांस लेने की तरह ये चीज मेरे को समझ में आई कि जीने के लिए जैसे सांस शरीर को चलाने के लिए सांस लेना जरूरी है, उसी तरह से सहज रूप से जीने के लिए ये जो विचार हैं, ये जो भाव हैं, यूएचवी को समझना और इसमें जीना बहुत। और संबंध और सहअस्तित्व की बात है तो मैं संपूर्णता के अर्थ में इसको समझ पाया, इस अर्थ में समझ पाया हूँ कि जिस जिस जिन जिन लोगों से मेरे संबंध हैं या जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, अपनी ओर से अगर विश्वास लेकर बात करता हूँ तो कभी भी कोई विवाद या अंतर विरोध जैसा मामला सामने नहीं आता। लेकिन मैं सामने वाले के को देखकर अगर ये सोचता हूँ कि ये मुझ पर विश्वास करेगा या सम्मान करेगा या स्नेह करेगा, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसमें मुझे कमी महसूस होती है। और वो कमी जो है उसको दूर विद्या के जो ये कंटेंट है इसको देखकर, इसको समझ कर ही हो पाया। तो अपनी ओर से विश्वास पूर्वक अगर काम बात शुरू करता हूँ, व्यवहार शुरू करता हूँ, तो कभी कोई अड़चन या पीड़ा महसूस नहीं होती। ये मैंने महसूस किया, और मुझे तो अभी तक जो लगा है कि जो सहज रहना है, कई बार सर भी संध्य सर भी कहते हैं कि अभी वर्तमान में तो ये देखा गया कि सहज रहना सबसे कठिन हो गया, क्योंकि आसपास सारा असहज असहज ही दिखता रहता है। और प्रतिक्रिया और रिस्पांस दोनों को मैं बड़ी उससे समझ पाया हूँ कि हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो भी स्वयं में दिखती है, और रिस्पांस कर रहे हैं ये भी स्वयं में ही दिखती है। दूसरा देख पाता है, ये बात तो उसकी जगह सही है, लेकिन मुझे दिख जाता है कि मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूँ या रिस्पांस दे रहा हूँ, तो ये बात काफी गहराई से समझ में आती है। जब रिस्पांस दिया जाता है अपनी ओर से, वो चीज काफी ये देखी गई। और ये अभ्यास एक में जो अभ्यास एक है वो काफी गहराई से समझने और उस पर चिंतन करने की ज्यादा जरूरत है। विद्या में बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी होता है और भाव हैं वो एक तरह से। तो जो 4.5 क्रियाओं की बात हम लोग करते रहे हैं, या वो यूएचवी में आने के बाद या यूएचवी को सुनने के बाद समझने के बाद समझ में आया कि वास्तव में 4.5 क्रियाएं क्या है और उसके ऊपर की क्रियाएं क्या है, कैसे उन क्रियाओं को हम कर पाते हैं, ये स्पष्ट हुआ। आगे चलकर देखें तो अभ्यास 2 में जो भी है वो एक काफी मेरे स्वयं के लिए काफी वो रहा कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसको समझ पाना भी। कई लोग सहजता से बोल देते हैं कि मैं शरीर नहीं, लेकिन काम तो हम बुरा पूरा पूरा शरीर मूलक ही करते हैं। तो ये विद्या यूएचबी में काफी स्पष्ट सा हुआ कि जो मेरा
चैतन्य पक्ष है, जो मैं स्वयं में चैतन्य हूँ, ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद समझ में आता है कि क्या चीज मुझे अच्छी लग रही है, क्या बुरी चीज बुरी लग रही है, कौन सी सही है, कौन गलत है। और जो सही गलत को मैं देख पाता हूँ, ये चैतन्य का मामला है और शरीर का इसमें प्रयोग। शरीर को स्वस्थ रखना, संयमित रहना, ये भी मेरी ही अपनी जिम्मेदारी है, स्पष्ट समझ में आता। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि शरीर मात्र सूचनाएं दे। जैसे अभी ही मेरे अंदर चल रहा था, जब अपनी इंग्लिश सेशन चला और इंग्लिश के बाद जब 2-3 मिनट ऊपर आप लोग बात कर रहे थे, तो मैंने अपना माइक चालू नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं सूचना दोनों के प्रति, मैं और शरीर में आदान प्रदान था कि इनकी बात पूरी हो जाए तब मैं अपना माइक ऑन करूंगा। तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इस तरह का छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन ही इन दोनों को अलग कर पाता है, और यही तुलना और विश्लेषण को सही सही दिशा में ले जाता। दूसरा, जो संकेत है वो मात्र संकेत के रूप में ही है, और संकेत को अगर हम देखें तो वो संवेदनाओं के बात है उसमें, कि जो भी हमारे अंदर संवेदनाएं चल रही है वो तो लगातार चलती रहती है। जिसको मैं देखता हूँ निर्णय पूर्वक, वो मुझे गहराई से दिखती है, जिसको नहीं देख पाता हूँ वो नहीं दिखती है। लेकिन संवेदनाएं, दूसरा, मैं संवेदना नहीं हूँ, मैं संवेदना से अलग हूँ, ये भी दिखता ही है, क्योंकि देखने वाला मैं हूँ। कई बार कुमार भैया ने कहा है कि इसको ऐसा देखिए कि आप बाहर सामने बैठे हैं और अपने शरीर को देख रहे हैं, तो फिर प्रतिक्रिया नहीं दिखती। वो एक शरीर की अपनी व्यवस्था को समझ में आता है कि ये जो संवेदना है, जो दर्द महसूस कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरी अपनी जिम्मेदारी का कमी की वजह से हो रहा है, ये स्पष्ट दिखता है। जो भी बाह्य परिस्थितियां हैं वो मुझे फिर प्रभावित नहीं कर पाती, फिर मैं उसको समझ कर सही कर पाता हूँ या देख पाता हूँ। जिम्मेदारी की जहां तक बात है, तो कई बार जिम्मेदारी को हमें स्वतंत्रता पूर्वक अगर देखता हूँ तो बड़ा स्वतंत्रता के रूप में देखता हूँ, तो वो काफी मतलब मुझे सुखप्रद लगता है, क्योंकि तो वो जिम्मेदारी है और वही स्वतंत्रता, ये चीज समझ में आती है। तो जो बार बार बोला जाता है और उन शब्दों को, अर्थों को समझ पाया हूँ कि जो समझदार व्यक्ति है वही जिम्मेदार, और जो समझदार व्यक्ति है वही भागीदार होता है, और वही ईमानदार होता है। ये चीजें कहीं ना कहीं दिखती है। तो समझदारी जो है वो एक बड़ी चीज है, और वो धीरे धीरे ही आती है। सर कहते भी थे कि ये चीजें धीरे धीरे ही आई, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी सर ने मेकाले की शिक्षा का दिया और भी शिक्षाओं का दिया। वो अपना भी उदाहरण देते हैं कि मैं भी लगातार इसमें जुड़ा रहा, तब जाके कहीं ये बातें समझ में, और मैं अभी समझदारी के क्रम में ही हूँ। मुझे पीड़ा होती थी पहले यूएचवी में आने से पहले, कितने शिविर ले लिए, इतने लोगों से मिल लिया, इतनी बातें कर ली, इतना पढ़ लिया, फिर भी मुझ में वो परिवर्तन क्यों नहीं आया, या वो परिमार्जन जैसी चीज मुझ में दिख क्यों नहीं रही। स्वयं में लोगों को प्रभावित तो कर देता, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे कचोटती थी कि प्रभावित कर देना ही क्या मेरा उद्देश्य है। ये चीज मैं अपने आप में देख पाया हूँ, और वो चीज काफी मेरे लिए सुखप्रद रही है। दूसरा, जो सातवां स्टेप है इसका, शून्य और सह अस्तित्व की बात है। तो ये भी शुरुआती दौर में ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ में तो आ ही गया था कि शरीर का होना और शून्य सह अस्तित्व में बना रहना, ये बात बड़ी देर से लेकिन बड़े अच्छे से समझ, मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहीं रुक नहीं रहा, कोई उसको दबा नहीं रहा है, या कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे बंद कर रही है। वो चीज जो अस्तित्व है वो स्पष्ट दिखता ही है, और जो मेरी आवश्यकता है और जो शरीर की आवश्यकता है, इन दोनों को मैं अलग अलग करके देख पाता हूँ, वहीं से अस्तित्व स्पष्ट दिख पाता है। और जहां तक उसके समझने की जरूरत है, तो पूरी प्रकृति को हम देखें तो सभी एक दूसरे के पूरक हमको दिखते हैं, और मैं भी अपनी पूरकता का निर्वहन करता हूँ तो संबंध पूर्वक व्यवस्थित रूप से जी पाता हूँ। ये
खास चीज मुझे समझ में आई है। और निष्कर्ष रूप में ये कह सकता हूँ कि मैंने जीवन, अगर मैं अपने अपने जीवन को देखूँ, मैं अपने आप के जीने को देखूँ, तो जिंदा रहना और जीने दोनों के अर्थ को स्पष्ट समझ पाए। और जीना है वो मूल्यों को समझना ही है, मूल्यों में जीना ही है, वही मेरी उपयोगिता कहीं ना कहीं दिखती है। या लोगों की उपयोगिता को भी अगर मैं देख पाता हूँ, तो यदि वो मूल्यों में रहकर भी व्यवहार कर रहे हैं तो उनकी उपयोगिता को देख पाता हूँ। बाबा कहते थे कि, कहा है उन्होंने कि उपकार का सोचते ही उपकार होने लग जाता है। तो कई बार मुझे पहले शुरू में तो ये लगता था कि उपकार का सोच के कैसे उपकार, तो फिर पता चला कि वो उपकार तो मेरे लिए अपने लिए ही है। और ये मैंने अपने जीवन में अपने उसमें देखा भी है कि अगर मैं उपकार की सोचता हूँ तो अपने आप में सुखी महसूस करता हूँ, अपने आप में सुकून आराम महसूस करता हूँ, ये उपकार ही है। तो वो जो बात है बड़ी सहजता से समझ में आने लगी। और जो संगीत की बात है, आराम की बात है, सुखी निरंतर सुख रहने की बात है, तो अभी भी निरंतर सुख का जो मामला है वो थोड़ा कहीं ना कहीं अटका हुआ है। 100% उसको कह पाना तो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी निर्णय लेता हूँ वो मैं ही लेता हूँ और मेरा ही उसमें पूरी जिम्मेदारी, और वो मेरी जिम्मेदारी मुझे समझ में आती है तो मुझे सुकून मिलता है, आराम मिलता है, सुख मिलता है। शिकायत का जहाँ तक सवाल है, तो दूसरों शिकायत की बजाय जो स्वयं में जो समझ है उसके आधार पर जीने की ज्यादा, क्योंकि तो शिकायत से शिकायत खत्म नहीं हो सकती, वो बात भी कहीं ना कहीं समझ में आता है। और जो परिमार्जन वाला मुद्दा है वो धीरे धीरे ही होता है, ये मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि कहा गया है कि मनुष्य संस्कार अनुसंगी होता है, और वो जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं मुझे दिखते हैं कि संस्कार गहरे में कौन कौन सी मान्यताएं फंसी है और कौन कौन से काम है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ और समझने के क्रम में ही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और इसी तरह मुझे आप मार्गदर्शन देते रहें, ये मैं इसके प्रति आशान्वित भी हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, मेरा समय अब पूरा हुआ है। अभी मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी बजाती पेड़ के बारे में बात करें। जी, सभी को नमस्ते। जगदीश जी नमस्ते। नमस्ते दीदी। बहुत बढ़िया लगा आपकी शेयरिंग सुनकर, और आपने बहुत ईमानदारी से अपने अंदर इतना सारा आप काम कर रहे हैं। बाहर तो आपका काम बहुत सा हो ही रहा है, और उसको भी आपने बिल्कुल एकदम संक्षेप में बताया, लेकिन औरों के लिए मतलब आप अगर चेक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितना सारा काम जगदीश जी ने शिक्षा में किया है और करते रह रहे हैं। और ये जो आपके अंदर देखने में जो उपलब्धि आपको हुई जो भी अब तक की, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आगे भी आप कर ही रहे हैं। हम लोग सभी लगे हुए हैं इसी काम में, तो यात्रा लंबी है, जी लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम अपने अंदर और देख पाते हैं, उतनी ही तीव्रता और बढ़ती जाती है कि और जानने की इच्छा और प्रबल होती जाती है। तो उसी के तहत हम लोग सभी लगे हुए हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए भी। दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो लगे हुए हैं उससे तो मैं बहुत पीछे हूँ, मैं इतना लगा हुआ नहीं मैं यहाँ इसलिए हूँ और यहाँ मेरे पास उस तरह का काम करने के वो है नहीं, फिर भी प्रयास हैं पूरे, वो आपके मार्गदर्शन का परिणाम है सर। धन्यवाद। आपका थैंक यू जी।